जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बनार थाना इलाके में संगम विहार कॉलोनी में लूट के इरादे से घर में घुसकर महिला की हत्या करने के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। महिला की हत्या का आरोपी उसका पति गजेंद्र सिंह ही निकला। कर्ज से परेशान पति ने महिला की हत्या करने के बाद बच्चे और खुद को भी घायल कर लूट की कहानी झूठी रची। फिलहाल पुलिस ने मृतका के बच्चे और अन्य के बयान दर्ज कर MDM में भर्ती पति को पुलिस निगरानी में लिया है। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमनदीप कपूर ने बताया कि जैटू सिंह चौहान ने बनार थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका भाई गजेंद्र सिंह घर में परिवार सहित रहता है। अज्ञात हमलावरों ने 26 और 27 नवंबर की मध्य रात्रि को घर में घुसकर परिजनों पर हमला कर दिया, जिससे उसकी भाभी सूरज कंवर की मृत्यु हो गई। इस हमले में उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर पुलिस ने जान से मारने और घर में अवैध रूप से घुसने और हत्या के धाराओं के मुकदमे दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने पति गजेंद्र सिंह पर शक होने और उसके बेटे कुशाल सिंह और अन्य से पूछताछ की तो सामने आया कि गजेंद्र सिंह ही पिछले कुछ समय से भारी कर्ज में दबा हुआ था और कर्ज से परेशान था, इसीलिए उसने अपनी परेशानी की मुक्ति पाने के लिए पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद बेटे को भी हमला कर चोटिल किया और खुद को भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन इस वारदात में उसकी पत्नी सूरज कंवर की मृत्यु हो गई और गजेंद्र सिंह और उसका बच्चा कुशाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी ने अपने ही बच्चे से पुलिस कंट्रोल रूम फोन करवा कर घर में लूट के इरादे से अज्ञात लोगों के घुसने और पिस्टल और चाकू से हमले करने की बात कही। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गजेंद्र सिंह और उसके बेटे कुशाल सिंह को तो जोधपुर में भर्ती करवा दिया। लेकिन पुलिस को इस मामले में शक होने पर पुलिस ने गजेंद्र के बेटे और अन्य परिचितों के बयान लिए तो सामने आया कि गजेंद्र सिंह ने कर्ज से परेशान होकर खुद ने ही झूठी लूट की कहानी बनाई और अपनी पत्नी ही सूरज कंवर की हत्या कर दी। फिलहाल गजेंद्र सिंह का जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी गजेंद्र सिंह को पुलिस हिरासत में लिया है। DCP ने बताया कि दो दिन बाद डिस्चार्ज होने पर आरोपी गजेंद्र सिंह को पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस गजेंद्र सिंह के घर से मिली पिस्टल व अन्य बिंदुओं पर उससे पूछताछ कर जांच करेगी। बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह पहले से ही हत्या के मामले में जेल काट चुका है। पिछले दिनों बनार थाना अंतर्गत जो एक सनसनीखेज मर्डर का घटनाक्रम हुआ था तारीख 26 और 27 की मध्य रात्रि को, वो हमारी बनार थाना टीम ने और हमारे अधिकारियों एडिशनल SP सरिता जी और हमारे दोनों एक मंडोर ACP और जो ट्रेनी ACP हैं उन्होंने मिलके इसको खोलने में सफलता हासिल की है। प्रथम दृष्टया इसमें ये निकल के आया है कि मृतका जो लेडी की जिसकी डेथ हुई है उसका पति गजेंद्र सिंह स्वयं ही ये घटना कारित उसने की है। उसका कारण ये था कि उसके ऊपर तमाम कर्जा कर्जा था, कई लाखों रुपये का कर्जा था, 40-50 लाख का जो बताया जा रहा है। उसकी दुनिया चलती हुई स्थिति में वो ब्याज और पैसा दोनों से प्रयोग कर रहा था, कई दुनिया चलाता था, चलाने का कारण पूरा उसका प्रचार करके कर रहा था। तो विषय सर्कल जो डरते हुए और दर बदर उसका कर्जा का प्रतिशत बड़ा होता गया और काफ़ी लंबा थोड़ा सा कर्जा हो गया, उसको ये लगा कि अगर कोई वो उसने अपनी पत्नी को भी ऐसा प्रतीत होता है उसने लिया और उसने बेटे को भी उसको माफी कर दिया क्योंकि उसके बेटा ज़्यादा उसकी नौकरी वोटी लगने और इस कार्य को करते हुए अपने पत्नी को पहले मारा उसके बाद बेटे को मारना चाह रहा था और वो बेटे ने ओवर पावर कर दिया, उसके बाद उसका प्रयास किया और फिर वो भी सफल हो गया। उसने अपने गला काट दिया, इसमें काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ और उसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाया। इन बिटवीन उसका बेटा जो था उसने जाके अपने चाचा और कंपाउंड में जो कि उसके घर वाले थे और पड़ोसी उनको बुला लिया, तब उसके मन में ये आया कि इसको मैं एक डकैती या लूट की घटनाक्रम दे दूं जिससे मेरे को ये डबल फायदा ये भी होगा कि मैं
अपने जो कर्ज का जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ उसको मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि कोई ऐसी लूट तथाकथित लूट मेरे साथ हो गई। तो मौके पे जाके जो भी सर्कमस्टेंशियल और कोरेबरेटिव एविडेंस हमने कलेक्ट किए वो इस तरफ इंगित कर रहे थे कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है, घर में कोई ऐसे अलामत नहीं थे जिसकी वजह से ऐसा लगे कि कोई लोग आए हों और लूट करके गए हों। जो ज्वेलरी उसके बार बार जब वो ट्रांजिट में था और ज्वेलरी का जिक्र कर रहा था तो वो भी घर पे पाई गई। जो प्रथम दृष्टि आई पहले दिन से ही घटना झूठ लगने लगी थी, तो वो कुल मिला के अब जब इसका बच्चा जो घायल था वो बोलने की स्थिति में आया तो उसके बयान ले गए, उसको जब कन्फ्रंट किया गया और उसने ये बताया ये कि मेरे पिता ने ही घटनाक्रम किया है, क्योंकि पुलिस पहले ही उस पर इनफ एविडेंस रख रही थी। और आज उसके 164 के बयान मुर्तिब कर दिए गए हैं, सभी कोरेबरेटिव सर्कमस्टेंशियल और मौके पर मौजूद एविडेंस के आधार पे अभी ये फिलहाल प्रथम दृष्टया उसके फादर बच्चे के फादर गजेंद्र सिंह का ही रोल आया है।